इस एक वचन पर कई लोग धोखा खा गए, क्योंकि इसकी वीडियो में, जो कि अगले हफ्ते दिखाऊंगा, इसकी वीडियो में जिसको कहते हैं ना अमेजिंग स्पिरिट, उसको उसने कन्वर्ट कर दिया अन्य भाषा में। रबा रबा शबा शबा लबा लबा तेरी आंखों का जादू। बताओ कैसे एक्सेप्ट करें, रख रहा हूं अभी इसको, कैसे एक्सेप्ट करें। हाँ, एक काम करते हैं, पहले आपको दिखाते हैं, ठीक है ना, ये स्लाइड को याद रखना, पहले आपको दिखाते हैं कि उसने बोला क्या है। आइए सुनते हैं थोड़ा सा। जी, वैल्यूएबल थिंग्स कौन सी हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर, और उसको पता है सबसे अमेजिंग थिंग पवित्र आत्मा है। इसीलिए कई लोगों को देखो इसके बारे में कंफ्यूजन है। आप अन्य भाषा बोल के देखो, आपको ख्याल आएंगे बनकर कुछ भी नहीं है। आप देखिए, उसने ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया है जो बकायदा अन्य भाषा कैंसिल कर देते हैं कि अन्य भाषा है ही नहीं। याद रखना, जो वैल्यूएबल होगा उसी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है। जो वैल्यूएबल होगा उसी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है, और उसने, यानी कि शैतान ने कितनों को खड़ा कर दिया है कि वो कहते हैं कि अन्य भाषा है ही नहीं और अन्य भाषा को कैंसल कर दिया है। मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं कि यस, ये वो आदमी है जिसने तुम्हारी अन्य भाषा को कैंसल किया है। कौन सी वाली? जिब्रिश वाली। डंके की चोट पे बोल रहा हूं सूरज प्रेमानी, मैंने तुम्हारी अन्य भाषा को कैंसल किया है। लो, अब क्या करोगे? डैनियल भाई, कैसे आप इतने दमदार तरीके से कैसे बोल सकते? तो लीजिए, ऐसे बोल पा रहे हम, आपके बीच में रख दे रहे हैं। जी पढ़िए। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके या की भजद्वानी करो। यहां अन्य भाषा है? नहीं सर। ओके, यहां आत्मिक वरदानों, आप लोगों को क्या सिखाया था? वचन को कैसे पढ़ना है? एक है सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल। ये प्लूरल है गॉडसन, ये प्लूरल है कि सिंगुलर है? बहुवचन है, प्लूरल है ये। यहां नहीं लिखा है कि अन्य भाषा की धुन में रहो, देख लो लिखा है ना, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, नहीं लिखा है कि अन्य भाषा की धुन में रहो। ये कौन सी भाषा है, मतलब अन्य भाषा कौन सी? नॉट जिब्रिश, ग्लोसा। और जिसको मैंने रद्द किया ओपनली, कह रहा हूं कि तुम्हारे हिसाब से जो अभी तुमने कहा ना कि उसने कितनों को खड़ा कर दिया है जो अन्य भाषा को कैंसिल करे, लो अब मैं यहां से बोल रहा हूं कि मैंने कैंसिल किया। कौन सी वाली? तुम्हारी लूसीफर वाली, ना कि पवित्र आत्मा वाली। मैंने ग्लोसा को कैंसिल नहीं किया है, मैं ग्लोसा की अन्य भाषा, पवित्र आत्मा का जो ग्लोसा है, मैं उसको मानता हूं। और तुम डॉक्टर शिबू थॉमस, तुम क्या कहते हो कि ग्लोसा है ही नहीं और तुम्हारी ही टीचिंग में तुम फंस गए। ग्लोसो लालिया, ग्लोसा, ग्लोसो लालिया का मतलब होता है स्पीकिंग, स्पीकिंग बोलना, ग्लोसा को बोलना, वही तो है ग्लोसो लालिया। अरे यार, तुम लोगों की आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, यहां जिब्रिश नहीं है सूरज प्रेमाणी। और जो अभी इसका एक और स्टेटमेंट शायद अगले हफ्ते रखूंगा, कहता है कि मैं तुमको ऐसे एग्जाम्पल दूंगा, इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल्स, उदाहरण, पता नहीं कहां कहां से लेकर आया था। कहता है कि तुम बैठे बैठे उछल पड़ोगे, लूसीफर की बातें से उछालोगे, प्रभु की आत्मा से उछालो ना, उछल पड़ोगे। वो बात अलग है कि कोई नहीं उछला, तुम खुद भी जानते हो आफ्टर योर स्पीच। आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। इस वचन से मुझे ओपन चैलेंज है, मुझे गलत साबित करके बताओ कि यहां अन्य भाषा कहां है। आप पढ़ रहे हैं पहला कुरिन्थियों 14 का एक, यहां अन्य भाषा कहां है कि उसकी धुन में रहो। और आपका स्टेटमेंट अभी सुना हमने, बहुत वैल्यूएबल चीज है, सुने कि नहीं सुने? सूरज प्रेमानी, तुमको भी ओपन चैलेंज है, बाइबल में से निकाल के बताओ कि अन्य भाषा बहुत वैल्यूएबल चीज है, ऐसा क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट निकाल के बताओ। चलो ठीक है, क्रिस्टल क्लियर तो तुम निकाल ही नहीं पाओगे, खत्म हो जाओगे। आसपास कुछ है तो निकाल के बताओ कि अन्य भाषा वैल्यूएबल है, उसके आसपास का कुछ है तो निकाल के बताओ। क्या बात करते हो यार, कैसे सिखाते हो, ऐसे सिखाते हो तुम, और खुद को कहते हो कि है ना, हाँ, उछल पड़ोगे अब जो मैं बोलूंगा, काय का उछल पड़ोगे।
बाप रे, अब पता चला, मैंने कल कहा था ना आज का लाइव देख लेना, अगर हिम्मत है तो देख लो। और मेरे को पता है अभी कुछ लोग निकल गए हैं, नहीं सुन पा रहे हैं आप लोग, क्या पढ़वाया था। अगर परमेश्वर की ओर से होगा तो सुनेगा, तुम इसलिए नहीं सुनते हो क्योंकि परमेश्वर की ओर से। कुछ लोग निकल भी गए होंगे, क्या रे भाई हम नहीं सुन सकते, पापा नाराज हो जाए। कौन से पापा? सूरज प्रेमानी पापा नाराज हो जाए। ले भाई फिर और क्या कर सकते। ये रहा वचन एक, अब आ गया है दो। लिखा है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं सुनता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। यहां आ चुका है क्योंकि, ये क्योंकि यहां इसलिए है क्योंकि, उसका जवाब है यूं कि, क्योंकि यहां लिखा है कि आत्मिक वरदानों में रहो। आत्मिक वरदानों इसका मतलब है यहां बहुत सारे दान है, उसकी धुन में रहो, और तुम लोग फंस गए एक ही दान में। अगर मैं यहां गलत हूं निकाल के बता दे, और मैं ये सबको कह रहा हूं, भारत के जितने भी जिब्रिश स्पीकिंग पास्टर्स टीचर्स, मुझे ये गलत, मैं अभी जो टीच करूंगा मैं यहां गलत हूं, वीडियो बना दो या कॉल कर लो और मेरे तक भेज देना। इतने डंके की चोट पे बात को इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मैं वो बाहर यीशु नहीं हूं जिसके अंदर दुष्ट आत्मा घुसी पड़ी है, मैं वो यीशु जो शाहूल था उसका बेटा जैसा बात कर रहा हूं, जो वचन को राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ करता है। तो लिखा है क्योंकि, क्योंकि यहां पर गड़बड़ हो रहा है, तुम लोगों में गड़बड़ हो रहा है। तुम्हारा फोकस होना चाहिए प्रीचिंग, तुम्हारा फोकस होना चाहिए बाइबल प्रीचिंग, तुम्हारा फोकस होना चाहिए साउंड डॉक्ट्रिन, लेकिन तुम घुस गए हो इसमें। कौन सा अन्य भाषा है? नॉट जिब्रिश, ये ग्लोसा है। वो भी क्लियर कर रहा हूं कि ये ग्लोसा, ये जिब्रिश नहीं है। आजकल की जो भाषा चल रही है ना वो जिब्रिश नहीं है, ये यहां की बात तो पौलुस ने की नहीं है। अब करते हैं दूध का दूध पानी का पानी, और करते हैं इसका भी पोस्टमार्टम, इसका भी। छह, यहां छह बातें, एक दो तीन, यहां छोटे छह बातें। कौन सी है डैनियल भाई? पहला, क्योंकि जो अन्य भाषा मतलब ग्लोसा नॉट जिब्रिश, बातें बातें नॉट प्रेयर, बातें करता है बिना अनुवाद के। आप समझ रहे हो? अन्य भाषा मतलब पहला वो ग्लोसा है, जिब्रिश नहीं है। दूसरा बातें करता है, प्रार्थना नहीं है। परमेश्वर का दान अन्य भाषा मतलब ग्लोसा, वो बातें करने के लिए दिया है, प्रार्थना करने के लिए नहीं। मेरा फिर से ओपन चैलेंज है और 1 करोड़ का चैलेंज है आपको। 1 करोड़ हार जाऊंगा मैं। मुझे इसमें से निकाल के बताओ कि परमेश्वर का एक ऐसा अन्य भाषा का दान है जिससे प्रार्थना होती है। ओपन चैलेंज है, अगर हिम्मत है तो निकाल के बताओ, या तो मुझे डिबेट में मेरे को चैलेंज करो कि डैनियल भाई हम आपको प्रूफ करते हैं। और दूसरा बता देता हूं, इसी बाइबल कॉलेज में यहीं पर बैठ के आमना सामना यहां लाइव दिखा दूंगा प्रोजेक्टर में, तुम बैठोगे मैं बैठूंगा। यहां आ जाओ, तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा खाने पीने का। जब इनका रख सकता तो तुम्हारा रख ही सकता, इक्का दुक्का तुम जो इक्का दुक्का हो ना रख ही सकता हूं। आओ ना फिर यहां पे बैठ के बात करो। तो सबसे पहले कौन सी बातों में से? 6 बातों में से पहला ये है, क्योंकि जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है। तो कौन सी भाषा? ग्लोसा, बातें या प्रार्थना? बातें ना कि प्रार्थना, लेकिन कौन सी भाषा? बिना अनुवाद की। इसको अनुवाद नहीं है अभी तक, जब पौलुस लिख रहा है जो बोल रहा है तब तक की बात कर रहा हूं, अभी तक इसके पास में अनुवाद नहीं है। इसलिए लिखा है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, सेकेंड लाइन, वह मनुष्यों से नहीं। ये मनुष्य कौन है? विश्वासी नहीं है, ये अविश्वासी है। इसलिए अन्य भाषा, इसलिए अन्य भाषाएं प्लूरल विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह। बताओ आपने अभी तक क्या सीखा? आपके पास्टर ने क्या सिखाया? आपके सो कॉल्ड पापा ने, सूरज प्रेमानी ने क्या सिखाया कि वो जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं करता? ये मनुष्य है कौन? पहला ये तो सीखो, ये वो मनुष्य नहीं है जो विश्वासी है, ये वो मनुष्य है जिसको कहते हैं अविश्वासी। यहां साबित हो गया। ओके, इसकी बैटरी है ये लगता है। यहां साबित हो गया, बैटरी चेंज कराओ। यहां साबित हो गया मेरे दोस्त, कैसा लग रहा है? और जितने यहां पे जुड़े हैं आप लोग बात समझ रहे हैं, ये वो मनुष्य नहीं है जिसको कहते हैं चर्च के मनुष्य, ये वो मनुष्य है जिसको कहते हैं अविश्वासी।
ओपन चैलेंज फिर दे रहा हूं, मुझे यह विश्वासी साबित करके बता दो इस 14:22 के हिसाब से, क्योंकि अगर अन्य भाषा का दान यहां लिखा है कि विश्वासियों के लिए नहीं है, तो फिर चर्च में विश्वासियों से वो क्यों बात करेंगे? हद है यार। तीसरा, परंतु परमेश्वर से बातें करता है इन ग्लोसा नॉट इन प्रेयर, बातें करता है। बातें क्यों करता है परमेश्वर से? वचन 28 कहता है, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलिसिया में शांत रहे, अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। इसलिए कहा है कि वो परमेश्वर से बातें कर रहा है, क्यों? क्योंकि अनुवाद नहीं मिला, अनुवाद नहीं मिला इसीलिए। और प्रूफ कहां से हो गया? 14:28। ये रहा चौथा लाइन, 1, 2, 3, 4, ये रहा चौथा लाइन। इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्यों नहीं समझता? इस कारण, जो क्यों नहीं समझता, अनुवादक नहीं है, अनुवादक इसलिए नहीं समझता। अब क्योंकि अनुवादक नहीं है इसीलिए उसको क्या करना है? दीजिए, इसलिए उसको क्या करना है? ऐसे व्यक्ति को इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, ऐसे व्यक्ति को कि परमेश्वर मुझे अभी अभी मिला है, क्या मिला है? भविष्यवाणी, मतलब फोर्थ टेलिंग, प्रोफेटोस, प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड मुझे मिला है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और जो पब्लिक सुन रही है उसको भी समझ में नहीं आ रहा है। तो 13:14 कहता है, इस कारण जो अन्य भाषा में बातें बोले, माफ करना, बोले, जो बोले वह प्रार्थना करे अपनी खुद की भाषा में, वो प्रार्थना करे, क्योंकि यह भाषा उसको समझ में नहीं आ रही, इसलिए वो खुद की भाषा में प्रार्थना करे कि उसको अनुवाद भी कर सको। पौलुस ने कभी नहीं कहा कि बिना अनुवाद के बोले, यहां प्रार्थना का मसला है ही नहीं, यहां प्रार्थना का टॉपिक है ही नहीं, यहां प्रार्थना की बात हो ही नहीं रही। तो तुम लोग कैसे सिखाते हो कि यह बहुमूल्य चीज है, यह बहुत कीमती चीज है, इसलिए एक्सपर्ट को साथ में लेके जाओ? ए भाई, जाके साबुनी खरीद, तू सोना खरीदने चला है। इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, इसलिए उसको प्रार्थना करना है, या तो उसके खुद की भाषा में, या जो अभी उसको दान मिला है उसकी भाषा में, कि मैं क्या बोल रहा हूं मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं प्रार्थना करता हूं। यू अंडरस्टैंड? कौन सी भाषा? ग्लोसा, ना कि जिब्रिश। ये रहा पांचवा, क्योंकि वह भेद की बातें, भेद की बातें, इसका मतलब है अनुवाद नहीं है इसलिए वो बातें भेद हो गई। अगर अनुवाद होता तो भेद नहीं होता। पौलुस चाहता है कि तुम भेद में कुछ नहीं बोलो, लेकिन सब कुछ बोलो जो सबको समझ आए, पूरा का पूरा 140 वचन यही तो लिखा है 14 अध्याय का तो लिखा। अच्छा, इसको पढ़ने वालों ने कैसे ले लिया? देखा, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से बातें नहीं करता, परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए उसकी कोई नहीं समझता क्योंकि वो भेद में बोल रहा है। पागल हो, ऐसे पढ़ते हैं ये जो अभी मैंने किया है। एक्चुअली ये क्योंकि क्यों आ गया था? ये क्योंकि इसलिए आ गया था, ये क्योंकि इसलिए आ गया था क्योंकि ऊपर कुछ गड़बड़ चल रहा है। ऊपर गड़बड़ ये चल रहा है, कहाँ गया? ऊपर गड़बड़ ये चल रहा है कि तुम आत्मिक वरदानों की धुन में नहीं हो, तुम लोग प्रोफेसी की धुन में नहीं हो, तुम लोग प्रीचिंग नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम लोग फंस गए हो एक भाषा में। और उसके चलते तुम लोगों के साथ में गड़बड़ ये हो रही है कि तुम लोग सोच रहे हो कि हम जो बात कर रहे हैं वो भेद है, और आज जैसे जिब्रिश में बात कर रहे हैं आपको लगता है कि वो भेद है। दरअसल ये जिब्रिश नहीं है, ये तो ग्लोसा है। वो इसलिए नहीं समझ पा रहा है क्योंकि उसके पास में अनुवादक नहीं है। अगर अनुवाद होगा तो ये भेद नहीं होगा। वाह, अब बताओ, और तुम्हारे सूरज प्रेमानी की लेवल और मेरी लेवल चेक कर लो। मैं नहीं चिढ़ता इतना तुम्हारे से, मेरी फोटो क्यों यूज करी फिर तुम लोगों ने? नहीं छेड़ना था ना मेरे को फिर? कमान, यस और नो? क्योंकि वो भेद की बातें, क्योंकि भेद इसलिए हो गया, अनुवाद नहीं है इसलिए वो भेद की बातें, वो तुम्हारे लिए भेद की बातें। अब रख रहा हूं कुछ, ये रहा छठवा, आत्मा, खुद की आत्मा, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। कौन सी आत्मा? खुद की आत्मा। इसको पढ़ो, माइक ले लो जल्दी से, इसको पढ़ो। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती।
वापस पढ़ो, तुम थोड़ा अटक गए थे। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। ओके, आप लोगों को आदत है ना उसकी, इसलिए कर देता हूं। चलो और जिस पे जोर देना है ना उस पे जोर दीजिए जी। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, एक सेकेंड, वो अन्य भाषा में प्रार्थना क्यों कर रहा है? क्योंकि यहां पे एक यहां आ जाते हैं, परंतु परमेश्वर से बातें करता है, वो मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें बोलता है, क्योंकि अनुवादक नहीं है, इसीलिए प्रार्थना करना है। और प्रार्थना ये करना है, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, ना कि पवित्र आत्मा। आप ठीक हो भाई साहब? मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, ना कि मैं, ना कि पवित्र आत्मा। यहां पवित्र आत्मा किधर है? फिर ओपन चैलेंज 1 करोड़ का, अगर मंजूर है तो एक्सेप्ट करो और मुझे निकाल के बताओ कि यह पवित्र आत्मा की बात हो रही है यहां पे। आत्मा क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। कौन सी आत्मा? एग्जैक्टली। और तुम लोगों को क्या सिखा दिया तुम्हारे पापा ने? तुम लोगों को सिखा दिया है कि यह पवित्र आत्मा में बातें करता है। देख रहे हो कितना धोखा है? अब बताओ वो सकल भैरी भैरी सकल भैरी धर्म को, सुसमाचार को रोकने वाला, कपट और चतुराई से भरा हुआ शैतान की संतान कौन है? वही तो डाला था क्वेश्चन मार्क, वही तो डाला था क्वेश्चन मार्क। वापस दिखा देते हैं आप लोगों को, वापस से दिखा, ये क्वेश्चन मार्क मैंने यही तो डाला। तुम तय करोगे क्या ये वाकई में वही शैतान की संतान बन गया जो परमेश्वर के वचन में ऐसी मिलावट कर रहा है, जो परमेश्वर के जो परमेश्वर के वचन में ऐसी मिलावट कर रहा है, खुद की आत्मा को पवित्र आत्मा बोल रहा है? बताओ अब। ये वीडियो जितना वायरल कर सकते हो करिएगा। मैं समाप्ति पे आ गया हूं क्योंकि वक्त का भी ध्यान रखना है, और अगले हफ्ते करूंगा मैं आगे और बढ़िया इसको। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो, एक सेकेंड, लिखा है कि सिर्फ अन्य भाषा नहीं है जी, आगे, तो ऐसा प्रयत्न करो, एक सेकेंड, तो क्या करो? ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की, एक मिनट, यहाँ वरदान है कि वरदानों? वरदानों। एक वचन है कि बहुवचन? बहुवचन। एक्सैक्टली। तो कैसे सिखाते हैं कि तुम्हारे वरदान, तुम्हारे अन्य भाषा मतलब जिब्रिल की उन्नति से तुम्हारी उन्नति होगी, तुम अगर बात करोगे तो उन्नति होगी? यहां ऐसा नहीं है, इसलिए तुम भी, और ये वचन 14:12 है, वो पहला 14:2-1 था, वहां पे भी उन्नति, वहां पे भी धुन में, वहां पे भी वरदानों की धुन में, याद आया कुछ? लेकिन यहां सिर्फ अन्य भाषा की बात ना वहां हुई है ना यहां हुई है, ग्लोसा की बात कर। आजकल तो जिब्रिल तो वैसे ही गलत है। तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से जी कलिसिया की उन्नति हो। यहां कई प्रकार के वरदानों की बात हो रही है, तो उन्नति किससे होती है? बाहर वाले क्या सिखाते हैं? अन्य भाषा यानी कि जिब्रिल से। पौलुस क्या सिखा रहा है? वरदानों से। ये क्या सिखाते हैं? वरदान से। ये क्या सिखा रहा है? वरदानों से। पौलुस क्या सिखा रहा है? बहुवचन। ये क्या सिखा रहा है? एक वचन। अब बताओ सकल धर्म का बैरी कौन है? तो मैंने जो पोस्ट डाला था क्या वो गलत था? नहीं, इनको भी पूछ लेते ना। अब बताओ ना, ये जो पोस्ट डाला था क्या वो गलत था? देखो कैसे ये आदमी बोला था कि नहीं बोला था, कैसे सही मार्ग को टेढ़ा कर रहा है। तो लिखा है कि कलीसिया की उन्नति हो, पढ़िए, इस कारण, इस कारण जो अन्य भाषा बोले, एक सेकंड, प्रार्थना करे कि बोले, बोले, तो फिर से कह रहा हूं कि एक भी जगह पे अन्य भाषा में प्रार्थना करो कॉन्टेक्स्ट में नहीं मिलेगा। तो वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसका मतलब है कि मैं जो बोल रहा हूं मैं उसका अनुवाद समझना चाहता हूं, उस बात पर प्रार्थना करे। यस, ना कि अन्य भाषा में यार जी, कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, ओके, तो ये अन्य भाषा में प्रार्थना कब कर रहा है? यहां वाली बात को लेकर,
तो ये है कॉन्टेक्स्ट। यस, मुझे भाषा का अर्थ नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। इसलिए लिखा है कि यदि, और ये यदि का कॉन्सेप्ट मैं सिखा चुका हूं। ये यदि को लेकर आप डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते, यदि को लेकर आप एप्लीकेशन चर्च में लागू नहीं कर सकते। ये इलस्ट्रेशन है, ये एग्जांपल है, ये इफ एंड बट एंड परंतु, ये वो कॉन्सेप्ट है। यदि मैं, ये मैं कौन है? पौलुस। पौलुस को कहां से नहीं आता था अनुवाद? वो तो अच्छा खासा अनुवादक था, 10,000 शब्दों का अनुवाद लेके बैठा था। तब तो कहता है 14:18 में, बुद्धि से 5 बातें बोल रहा हूं। एक सेकंड, तो इसका मतलब है कि 10,000 बातों का उसके पास बुद्धि थी। तो जब उसके पास बुद्धि थी तो वो काहे प्रार्थना करेगा? पढ़िए, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा, किसकी आत्मा? मेरी आत्मा। पवित्र आत्मा है यहाँ पे? नहीं। तो कैसे सिखाते हो तुम लोग आत्मा में? इसलिए तुमने क्या कहा था सूरज प्रमाणी, कि पवित्र आत्मा इज अमेजिंग। इसलिए लूसीफर कंफ्यूज। अब बताओ, आप ही लोग देख रहे, कंफ्यूज कौन है बेचारे भोले भाले लोग? उसको कहता है कि अब तुम उछल पड़ोगे। अब इसको नहीं पता है कि ये खुद ही कुचल बैठा है। हत्या तुम्हारी, मेरी फोटो यूज नहीं करना था तुम लोगों ने। तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है अनुवाद के लिए। ये मैंने आप लोगों के लिए डाला है, और तुम जो देख रहे हो पॉज करके देख लेना। परंतु, पढ़ो, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। तो मेरी आत्मा भी यहां पर है, मेरी बुद्धि भी यहां पर है, मेरी बुद्धि काम नहीं देती क्योंकि अनुवाद नहीं है। अगर अनुवाद होता तो मेरी बुद्धि काम देती। यस। अगर अनुवाद होता तो मैं प्रार्थना नहीं करता। यस। अब मैं प्रार्थना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अनुवादक नहीं है, और इसलिए मेरी आत्मा प्रार्थना करती है लेकिन मेरी बुद्धि काम नहीं देती। कितना सिंपल है यार। आगे पढ़िए वचन 15। सो क्या करना चाहिए? अब क्या करें? पौलुस कहता है, चलो भाई अब क्या करें? आइए सुनते हैं। सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। रुको 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 रुको, मैं आत्मा से भी, रुक जाना था यहां, मेरी आत्मा से। इसको लेकर क्या बेवकूफ बनाया आप लोगों को कि मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करूंगा। फिर ओपन चैलेंज है, यहां पवित्र आत्मा निकाल के बता दो कॉन्टेक्स्ट में। सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से, किसकी आत्मा? खुद की आत्मा, मेरी आत्मा जी, प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी। थोड़ा थोड़ा सा माइक लंबा रख। प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। इसका मतलब है प्रार्थना क्यों कर रहा है? अनुवाद नहीं है। प्रार्थना क्यों कर रहा है? बुद्धि काम नहीं दे रही। प्रार्थना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी आत्मा प्रार्थना करे, लेकिन जिस दिन मुझे अनुवाद मिल जाएगा प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। वाओ, जिस दिन मुझे चंगाई मिल जाएगी मैं उस दिन प्रार्थना रोक दूंगा। जिस दिन मेरी नौकरी मुझे मिल जाएगी, बोल दीजिए ना, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। यही तो चल रहा है यहाँ पर। प्रार्थना करूंगा, बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, आत्मा से भी गाऊंगा, बुद्धि से भी गाऊंगा, अनुवाद को पाकर। अनुवाद को पाकर, मैं अनुवाद को पाकर गीत गाऊंगा। और गाना चाहिए, पूछो क्यों? क्योंकि जिस बॉर्डर में गया है, जो कंट्री में गया है, जो आदिवासियों के बीच में गया, वहां उन्हीं की भाषा में तो आराधना चाहिए। वही की तो भाषा में प्रचार भी चाहिए। जैसे अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूं क्योंकि यहां हिंदी चलता है, मैं यहां हिंदी में ही आराधना करूंगा। आज का दिन यहोवा ने बनाया। मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, बुद्धि से, हाँ बुद्धि से भी गाऊंगा। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा। कौन सी आत्मा? अपनी आत्मा। सही जवाब, खुद की आत्मा। यह तुमको बोलना था। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से कहूंगा, हाँ पढ़ो, तू धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी। एक सेकंड, ये अज्ञानी कौन है? जो भाषा को नहीं समझ रहा। यस। जो अज्ञानी है, और वह अज्ञानी से ज्ञानी कब हो जाएगा? जब भाषा आ जाएगी। यस। तो यहां अज्ञानी का सवाल ही खत्म हो जाता है क्योंकि भाषा आ चुकी है जी। फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन क्यों कर कहेगा? हाँ, क्वेश्चन मार्क है आगे। इसलिए कि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तो इसका मतलब है कि उसको जानना चाहिए कि तू क्या कहता है। यस। ये है इसका मतलब। तो चर्च में रबा रबा शबा शबा लबा लबा तुम जितने भी बोलते हो, पौलुस कहता है कि उस पर आमीन बोली जानी चाहिए। और जो भी तुम बोलते हो, खैर रबा रबा शबा शबा का तो तुम कभी अनुवाद निकाल भी नहीं पाओगे, लेकिन पौलुस कहता है जो गुलसा बोलते थे उनको आमीन बोलना था। वो इसलिए नहीं बोल पा रहे आमीन क्योंकि तुमको ना तो तुमको अनुवाद मिला है,
और इसके चक्कर में वो पूछ रहे कि तू कहता क्या है, क्योंकि पौलुस कहता है कि बहुत सारे लोग यीशु को श्रापित बुलवाते हैं क्योंकि वो उनकी भाषा को नहीं समझते। कैसा लग रहा है?